हिंदू धर्म में माता दुर्गा की आराधना का एक विशेष महत्व है, खासकर शारदीय नवरात्रि के दौरान। ये तो सभी जानते हैं कि माता के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा विधि विधान से की जाती है। पूजा की थाली में खास चीजें रखी जाती है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि पूजा में दुर्वाया घास क्यों नहीं होती? इसकी एक अलग कहानी है। पूरी जानकारी के लिए हमने भोपाल के प्रसिद्ध ज्योतिषी और वास्तु सलाहकार पंडित हितेंद्र कुमार शर्मा से बात की। वैसे तो हर पूजा, हवन या धार्मिक कार्य दुर्वा के बिना अधूरे माने जाते हैं। खासकर गणेश जी की पूजा में दुर्वा को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। ये मान्यता है कि दुर्वा नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और धार्मिक कार्यों में सफलता लाती है। सवाल है कि माँ दुर्गा की पूजा में दुर्वा का प्रयोग क्यों नहीं होता? इसके पीछे का रहस्य मंगल ग्रह से जुड़ी ऊर्जा है। ये जानना जरूरी है कि माँ दुर्गा पर कोई भी ऐसी चीज अर्पित नहीं की जाती है जो मंगल ग्रह की ऊर्जा से मेल खाती हो। यदि आप दुर्वा को माता दुर्गा को अर्पित करते हैं तो इससे देवी नाराज हो सकती है। अब हम बताते हैं कि दुर्वा का इस्तेमाल से पूजा पर क्या असर पड़ता है। ये एक गहरी धार्मिक मान्यता है। पूजा की सामग्री सही और अच्छी होनी चाहिए, इससे पूजा की विधि और फल पर असर पड़ता है। माना जाता है कि इससे पूजा में प्राप्त होने वाला फल भी नहीं मिलता है। माँ दुर्गा का स्वरूप सृजन, पालन और काल का प्रतीक है। उनके हर एक रूप में खास विशेष है। आसान शब्दों में कहें तो दुर्वा मंगल से जुड़ा है, जो एक पुरुषत्व है। ये गुण माँ दुर्गा की दिव्य स्त्री शक्ति के विपरीत माना जाता है। यही वजह है कि दुर्वा को माँ दुर्गा को अर्पित नहीं किया जाता, ताकि पूजा का सही अर्थ और भावनाएं बनी रहें। तो इस नवरात्रि माता दुर्गा की सही तरीके से पूजा करें, जिससे आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि आएंगी। इससे न केवल आशीर्वाद प्राप्त होगा, बल्कि आपके जीवन की हर बाधा भी दूर होगी। अब तक नवरात्रि के 7 दिन बीत चुके हैं। इस दौरान माता के किन किन रूपों की पूजा की जाती है, हमने 7 दिन अपनी वीडियो में समझाया है। फिलहाल आपको आज की वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी वीडियो के लिए देखते रहे लोकल 18।